शहर में रविवार को मुस्लिम समाज ने ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी तथा राह खुदा में कुर्बानी दी। इस दौरान बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। ईद के मौके पर सुबह से ही मुस्लिम धर्मावलंबी नए नए परिधानों में सज धज कर शहर एवं ग्रामीण अंचल की ईदगाह में पहुंचे और ईद उल जुहा की नमाज अदा की। खुदा की इबादत करते हजारों अकीदमंदों की कतार अनूठे दृश्य का आभास करवा रही थी। नमाजियों ने खुदा की बारगाह में सजदा कर मुल्क में अमन चैन और तरक्की के साथ अच्छी बारिश की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर के चांग सितार रोड ईदगाह, छावनी ईदगाह, जलाल शाह बाबा दरगाह स्थित ईदगाह पर ईद उल जुहा की विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान इमाम साहब ने दो रकात ईद जुहा की अदा करवाई और खुतबा पढ़ा। इसके बाद नमाजियों ने खुदा की बारगाह में हाथ फैला वतन में अमन चैन खुशहाली और सद्भावना सहित अच्छे बरसात की दुआएं की। इस मौके पर शहर के चांग सितार रोड स्थित ईदगाह पर सिटी थाना अधिकारी नाहर सिंह, एएसआई ओम प्रकाश विष्णोही सहित अन्य ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ईद की नमाज अदा करने के बाद उन्हें गले लगा कर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चौबंद रही।